पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। आप भी यहां बैठे होंगे तो इस बात करने का बड़ा मजा आता होगा। तो मैं आज खास आपका क्लास लेना चाहता हूं ताकि आप दुनिया को समझा सको हम कौन लोग हैं। पता नहीं सारी दुनिया क्लाइमेट के संबंध में हमें गालियां देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रहे जी। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो भारतीय समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को भी मां कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड़ में रण छोड़ ये हम कहते हैं। और हमें इस दुनिया समझा रही है कि ये करो वो ना करो। भारत ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए दुनिया के सामने। आज विश्व जिस संकट से गुजर रहा है उस समस्या का समाधान हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में है, हमारे जीवन के आदर्शों में जुड़ा हुआ है। ये विश्वास के साथ जाना चाहिए और यह मेरी भारतीय समाज से सर्वाधिक अपेक्षा है। हमारी यहां महिलाएं जितना व्रत करती हैं हिंदुस्तान में, सारे व्रत देख लीजिए, प्रकृति की पूजा होती है। वो प्रकृति का सम्मान करना ये हमारे यहां संस्कार में होता है। हमारे यहां बच्चा बालक पत्थर बिस्तर से नीचे उतरता है, उसके माँ उसको सिखाती है कि पहले पृथ्वी माता की क्षमा मांगो अपना पैर रखने से पहले, कि मैं माँ तुझे दुखी कर रहा हूं, मैं अपना पैर रख रहा हूं, माँ पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो फिर पैर रखो। ये हमारे संस्कृति और संस्कार में पड़ा हुआ है। जिस समाज ने इसको संजोया हुआ है आज विश्व को हिसाब देना पड़ रहा है। सूर्य के सात घोड़ों के रथ की कल्पना, सूर्य को शक्ति रूप में मानना हमारे यहां माना गया। जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में जीव होता है ये कहा, उसके बाद ही वनस्पति में जीव आया, ऐसा नहीं है। हम हजारों साल से पौधे में परमात्मा है ये देखने वाले लोग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस विषय में हमारी अपनी मास्टरी, हमारा सामर्थ्य है। हम दुनिया के जवाब देने लोग नहीं है, दुनिया का जवाब हमने मांगना चाहिए कि आप हैं जिन्होंने प्रकृति को तबाह किया है। हम वो लोग हैं जो मिल्किंग ऑफ नेचर में मानते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर उसे हम क्राइम मानते हैं। और इसलिए दुनिया जिस संकटों से गुजर रही है उसके सामने हमारा तात्विक ताकत है खड़े रहने की, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढना पड़ेगा।